दोस्तों, अगर आपकी भी नसों में दर्द रहती है, नसों की कमजोरी की समस्या है, साइटिका की प्रॉब्लम है, या फिर आपकी पूरा दिन बॉडी बहुत ज्यादा अकड़ी रहती है, पुराने से पुराना गठिया है, आर्थराइटिस है, तो डेफिनेटली आज का मेरा ये वीडियो आपके लिए है। या फिर अगर आपके किसी जानने वाले को ये समस्या है तो जरूर इस वीडियो को ध्यान से सुन के फॉलो कर लीजिए। डेफिनेटली आप मुझे सिर्फ दुआएं ही देते रह जाएंगे क्योंकि इतनी ज्यादा इफेक्टिव है। लेकिन मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं कह रही कि आप इसको एक दिन में पीकर आप बिल्कुल बिस्तर से खड़े हो जाएंगे, ऐसा नहीं, बल्कि आपको कम से कम 2 से 3 महीना इस रेमेडी को फॉलो करना होगा। तो चलिए देख लेते हैं इसको बनाना कैसे है और किन किन चीजों की जरूरत है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले लेना है अखरोट। अखरोट आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा गुणकारी है, ठीक है। अखरोट में अल्फा लिनोलिक एसिड पाया जाता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, जो आपकी हड्डियों को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। अगर आपके कमर दर्द है, पिंडियों का, कूलों का दर्द है, या फिर आपको साइटिका की प्रॉब्लम है, गठिया है, आर्थराइटिस है, तो ये उन सब समस्याओं से आपको राहत दिलाता है। साथ ही साथ अखरोट बिल्कुल आपके ब्रेन की तरह बना होता है, तो इसका मतलब इसका सबसे ज़्यादा फायदा आपकी याददाश्त को बढ़ाने में आता है। ये कैंसर से आपको बचाता है और साथ में आपके वजन को भी कंट्रोल करता है। अब आप सोचेंगे कि वजन कैसे कंट्रोल होगा? जी हाँ, क्योंकि इसमें फैट और कैलोरीज बहुत ज्यादा होती हैं, जिसको अगर आप खाएंगे तो आपका जो एक्स्ट्रा क्रेविंग होती है या बार बार भूख लगने की समस्या है तो वो इससे दूर हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट इंग्रेडिएंट ये है। तो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमारा रहेगा 5 बादाम, ठीक है। ये आपको डेली लेना है इतनी क्वांटिटी। अब बादाम आपकी सेहत का खजाना होता है क्योंकि इसमें एमिनो एसिड पाए जाते हैं। बादाम में विटामिन B6 पाया जाता है, ठीक है। ये आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा ऊर्जा प्रदान करते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा थके रहते हैं तो आप पहले से नोटिस करेंगे कि आप बहुत ज्यादा एक्टिव फील कर रहे हैं। साथ ही साथ इसमें विटामिन ई होता है जो आपको स्किन डिजीज से बचाता है। और साथ के साथ बादाम में कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, विटामिन, प्रोटीन, जिंक, कॉपर होता है, जो आपकी हड्डियों को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। इनफैक्ट अगर आपको पुराने से पुराना गठिया आर्थराइटिस है ना, तो भी आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। इसके साथ साथ ये आपके शरीर में बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को आपकी बॉडी में स्टोर करता है। साथ ही साथ आपकी बॉडी में जो शक्कर का लेवल बढ़ा हुआ है, यानी अगर आपको डायबिटीज है या फ्यूचर में चाहते हैं आपको डायबिटीज ना हो, तो डेफिनेटली आपको बादाम जरूर अपनी इस रेमेडी में जो आपको मैं बता रही हूँ उसको आपको जरूर पीना चाहिए। इनफैक्ट आपके बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे अब हम लेंगे 4 इलायची, ठीक है। इलायची क्या करती है? इलायची में विटामिन B6 होता है, आयरन होता है, मैग्नीशियम, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल गुण पाया जाता है, फाइबर, पोटेशियम, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, कैल्शियम, ये सारे पोषक तत्व इस छोटी सी दिखने वाली इलायची में होते हैं। जी हाँ, इलायची क्या करती है? सबसे पहले आपके शरीर में से जितने भी विषैले पदार्थ हैं, मतलब सपोज अभी तक आपने जो भी गंध खाया हुआ है, उस टॉक्सिन जो जमा है आपकी बॉडी में, तो उसको आपके शरीर से निकालेगी। उसके साथ साथ ये आपके शरीर में से जो कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बना हुआ है, बैड कोलेस्ट्रॉल, उसको हटाती है। अगर आपके शरीर में खून के थक्के हैं, यानी खून आपका बहुत गाढ़ा है, तो ये उसको पतला करती है, क्योंकि खून गाढ़ा जब होता है तो मांसपेशियों में सूजन आती है, अकड़न आती है और गठिया आर्थराइटिस की प्रॉब्लम आपके शरीर में बढ़ने लगती है। इलायची का सबसे बड़ा फायदा क्या है? ये आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करती है। देखिए, हर चीज की जो बीमारी है ना, वो आपके पाचन से जुड़ी होती है। अगर आपका पाचन बिगड़ा हुआ है, आपको खाना पचता नहीं, तो उससे मिलने वाले पोषक तत्व आपको नहीं मिलेंगे, और जब पोषक तत्व आपको नहीं मिलेंगे तो आप चाहे हरी सब्जियां खा रहे हैं, बादाम भी खा रहे हैं, तो वो आपके शरीर में लगेगा नहीं, तो आपको बीमारियां देगा खाना जो सर्ड है आपके शरीर में। तो सबसे पहले आपके शरीर में वात, पित्त, कफ का जो है संतुलन बिगड़ने लगेगा। तो बेसिकली जब आप इसको यूज करेंगे तो ये आपके वात, पित्त, कफ के संतुलन को बिल्कुल बैलेंस करके रखेगी। प्लस में एंटीऑक्सीडेंट होता है, तो आपको आपकी जो स्किन है उसको प्रीमैच्योर एजिंग से बचाता है। अब हम क्या करेंगे, मामदस्ता लेंगे और उसमें ये सारे इंग्रेडिएंट डाल देंगे और इसको कूटेंगे। अब हम इसमें अपनी इलायची ऐड कर लेंगे। अब इसको हम सारी चीजों को कूट लेंगे। अब आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से ग्राइंड, मतलब पिस चुका है प्रॉपर, ठीक है। प्रॉपर पिसने के बाद में अब आपने क्या करना है, इसको साइड पे रख देना है। अब आपको क्या करना है, ग्लास पूरा दूध ले लेना है और इस बर्तन में आपको डाल देना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दूध को अच्छे से बॉइल कर लेंगे।
एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, दूध को बॉयल जब आप कर लेंगे, अगर आपको मीठा पसंद है दूध में तो आप इसमें गुड़ डाल सकते हैं, लेकिन बॉयल्ड होने के बाद, क्योंकि ठंडे दूध में अगर हम गुड़ डालते हैं तो दूध फट जाता है। अगर आपको गुड़ नहीं डालना तो फिर आप धागे वाली मिश्री का इस्तेमाल करें, बट प्लीज़ रिफाइंड शुगर का इस्तेमाल हमने बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि वो आपके और ज़्यादा गठिया अर्थराइटिस की प्रॉब्लम को बढ़ा देगा। चलिए अब इसको गर्म करने के लिए रख देते हैं, फिर देखते हैं कि आगे क्या करना है। अब आप देख सकते हैं दूध बहुत अच्छे से बॉइल्ड हो चुका है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको एक ग्लास में निकालेंगे और आगे देखते हैं इसमें हम क्या मैजिक ऐड करने वाले हैं। अब इस दूध को हम एक ग्लास में ट्रांसफर कर लेंगे। अब यहाँ पर जो हमने पाउडर बनाया था मामदस्ते में कूटकर, ठीक है, उसका 1 स्पून हम इसमें ऐड कर लेंगे। अब हम इसको ग्लास में डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गरम गरम दूध को आप इंजॉय करेंगे। अब बारी आ जाती है इसको पीने का सही समय क्या है, तो आपने नाइट के डिनर के 1 घंटे बाद आपको इसको पीना है, सोने से आधा घंटा पहले। अपने बच्चों को भी आप ये दूध पिलाएं, घर में बड़े बूढ़े हर कोई इस दूध का सेवन जरूर करें। तो आई होप कि आपको मेरा ये प्यारा सा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसी अपनी ईशा को बहुत सारा प्यार देते रहें और मुझे जरूर बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना पसंद करेंगे।